लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हो, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। ये पहला चुनाव है जिसमें भाजपा के प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया गया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही सिमटे रखा। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंध में संघ परिवार और भाजपा में दूरी दिखाई दी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उनसे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साधे रखा। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंध में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिखे हो। जिलों में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी और ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे छोटे स्तर पर अमूमन होने वाले संघ परिवार की बैठकें होती हुई नजर आई। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह में भी इस चुनाव में कहीं भी नहीं दिखे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ ने चुनाव से किनारा कर लिया। संघ से जुड़े कुछ वर्तमान और पूर्व अधिकारी एवं प्रचारकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह भाजपा के एकांगी निर्णय और संघ परिवार के संगठनों के साथ संवादहीनता रही। माना जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा के जो बयान है, उनका एक बयान था कि भाजपा पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए अब उसे संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा के इस बयान ने स्वयंसेवक को उदासीन कर दिया। संघ के एक पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि संघ अचानक से तटस्थ होकर नहीं बैठा था, बल्कि संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद जो है बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी और अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नज़रअंदाज करना बीजेपी ने शुरू कर दिया था। तो वही बता दें कि भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह की अनदेखी कर दी, एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर डाले, इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद संघ और भाजपा में उभरे थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कई उम्मीदवारों के असहमत था संघ। आपको बता दें कि बताया ये भी जाता है कि संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी संघ ने। जानकारी ये भी है कि संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से ये कहा था कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को शामिल करना उचित नहीं है, इससे गुटबाजी बढ़ रही है। साथ ही संगठन की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं, पर उनकी सलाह नहीं मानी गई, लिहाजा संघ उदासीन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाजपा का चुनाव प्रबंध तो पहले से ही कागजों पर था। संघ भी उदासीन हुआ तो ज्यादातर स्थानों पर ना तो भाजपा के वोटरों को निकालने वाले यहाँ पर उनके संघ के लोग दिखे और ना ही उन्हें समझाने वाले लोग बाहर आए। लिहाजा ज्यादातर मतदान केंद्रों पर जो कि हमने साल 2014, 19, 17 और 2022 वाला प्रबंध जो देखने को मिला था, वो इस साल यानी कि साल 2024 में नहीं देखने को मिला। संघ की संवाद बैठकों का लाभ नहीं उठा पाई बीजेपी। चुनाव की घोषणा के एक साल पहले ही संघ परिवार ने अपने वैचारिक कार्यक्रम के तहत तो जनता से संवाद करना शुरू कर दिया था। घोषणा होने तक हर लोकसभा क्षेत्रों में 1-1 लाख बैठकें हो चुकी थी। इसके तहत संघ के जमीनी कार्यकर्ता 10 से 20 परिवारों के साथ बैठकें करके मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर हुए कार्यों की चर्चा कर माहौल बनाया था, लेकिन भाजपा संघ के इस कवायद का लाभ नहीं उठा पाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्षेत्रीय और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर, जिससे संघ नाराज था। संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा के कई क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, इसमें संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई। खास तौर से गोरखप्रात और काशी के क्षेत्र अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे जो है पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक कारण माना जा रहा है। जमीन पर संगठन को सक्रिय नहीं कर सकी बीजेपी, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। संघ से दूरी बनाने का जो दुष्परिणाम है वो यही सामने आया है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला भाजपा का संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहा। माना जा रहा है कि संघ से बेहतर समन्वय नहीं बनने की वजह से भाजपा की अधिकांश बूथ कमेटियां
और प्रमुख जो निष्क्रिय बैठक होती है वो नहीं हो पाई। वहीं संघ के स्थानीय कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच काम करते रहे और संगठन से जनता को जोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। समन्वय नहीं होने की वजह से दोनों तरफ के कार्यकर्ता उदासीन हो गए। नतीजा ये हुआ कि तमाम घरों पर परिवारों तक पर्चियां नहीं पहुंच पाई। बाहरी चुनाव प्रभारी का प्रयोग भी यहां पर विफल होता हुआ नजर आया। आगे बात करें तो इस बार चुनाव भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किया था, जो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें ना तो संबंधित लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी थी और ना ही जातीय समीकरण के मुद्दे उन्हें पता थे। मतदाताओं के बीच भी बाहरी प्रभारियों की कोई पकड़ नहीं थी, लिहाजा तमाम प्रभारियों ने जमीन पर काम करने की बजाय सिर्फ क्षेत्रों में होने वाले बड़े नेताओं के सभाओं में चेहरा दिखाने तक ही खुद को सीमित रखा। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मोदी 3.0 की कैबिनेट मिनिस्ट्री भी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब साल 2024 के बाद किस तरह से 5 साल का ये कार्यकाल बीजेपी चलाती है और ये जो मिली जुली सरकार है NDA की, वो किस तरह अपनी रणनीति आगे के लिए तैयार करती है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।